नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपके साथ कुछ सक्सेस हैबिट्स आज शेयर कर रही हूँ, जिन्हें आप अपनाएंगे तो ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होंगे। आपने आज तक सुना होगा कि लोग यही कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्टोर करो और डेडिकेटेड रहो। इन सारे नियमों को कहती हूँ मैं भूल जाइए। आप कहेंगे क्या मैं उल्टा बता रही हूँ, लेकिन तो हम क्या करें। मैं आपको कुछ सक्सेस हैबिट्स के बारे में बताती हूँ, जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो है कि आप केयरलेस हो जाइए। आप कहेंगे कि आज तक हमें सब ने केयरफुल होने को बोला है, केयरलेस तो किसी ने नहीं बोला। मैं कहती हूँ पूरी तरह से केयरलेस हो जाइए, केयरफुल को गोली मार दीजिए। अपने जितने भी नियर और डियर जो तुमसे प्यार करते हैं, उनको छोड़कर सबकी केयर करनी बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी जान भी लगा देंगे तो भी आप सबको खुश नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि अंत में ना वो लोग खुश हुए और ना ही आप खुश हुए। इस साल अपनी केयर कीजिए, इस साल अपने लोगों की केयर कीजिए, इस साल एकदम अपने क्लोज लोग जो आपकी केयर करते हैं, सिर्फ उनके बारे में सोचिए। हैबिट नंबर 2, डू लेस। अब आपको ज़्यादा काम नहीं करना, पहले से कम काम करना है। आप सोचेंगे कम काम करेंगे तो हमारा काम ख़त्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उठिए, अपने कामों की एक पूरी लिस्ट बनाइए और देखिए कि उनमें से ऐसे कौन से काम हैं जो आपको खुद करने हैं और बाकी कामों को डेलीगेट कर दीजिए। डेलीगेट मतलब ऐसे कामों को जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो आप अगर दूसरों को दे दें करने के लिए तो भी आपका काम चल सकता है और आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा स्किल क्या होता है? दूसरों से काम लेने की कला। आपको दूसरों से काम लेने की कला आनी चाहिए। अपने इम्पॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनाकर उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे आप उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़िंदगी में ज़्यादा सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब पॉइंट नंबर 3, नॉलेज लेस। आप कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि कम नॉलेज रखिए। अपने फ़ोन में जितने भी फालतू के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए। अगर आपको कुछ ग्रुप रखने भी हैं तो कोशिश कीजिए उन्हें म्यूट करके रखिए, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो पाए। और सारे जितने भी न्यूज़लेटर्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी आपके पास मेल जो आते हैं वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। और ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान बखारने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आज की डेट में कोई अगर कह देता है कि मेरे पेट में, घुटने में या शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, तो सब अपना अपना ज्ञान सुनाने लगेंगे और सलाह देने लगते हैं। बिन मांगे किसी को ज्ञान मत दीजिए, किसी को सलाह मत दीजिए। सिर्फ जो आपकी इम्पोर्टेंट नॉलेज है, अपने काम पर फोकस कीजिए, उसे अपने काम पर लगाइए, जिससे आपको जो है कम मेहनत करके, स्मार्ट वर्क करके ज़्यादा सफलता मिल सके। मेरी ओर से आप सबको सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।